रेंका प्रखंड के प्लस टू उच्च विद्यालय के प्रांगण में चल रहे रात्रिकालीन टूर्नामेंट का 10वां दिन शानदार एवं रोमांचक मैच खेली गई, जिसका पहला इनिंग का मैच सलैया क्रिकेट टीम एवं सूर्या क्रिकेट टीम के बीच शानदार मैच खेली गई, जिसमें सलैया 5 विकेट से सूर्या टीम को हरा कर विजयी रहा एवं क्वार्टर फाइनल में अपना कब्जा जमाए रखा। वहीं तूफान बी एवं श्रीराम सेना के बीच रोमांचक मैच खेली गई, जिसमें तूफान बी 4 रन से सूर्या टीम को हरा कर विजयी रहा है। वहीं तीसरा इनिंग का मैच रंका ड्रीम 11 एवं खपरो के बीच आकर्षक मैच खेली गई, जिसमें खपरो ड्रीम 11 41 रन से हरा कर विजयी होकर खपरो सेमीफाइनल में अपना कब्जा जमाए रखा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार सलैया टीम के पिंटू थापा एवं तूफान बी के रोहित रॉय एवं खपरो से कौशल कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कमेटी की ओर से दी गई। इस मैच का पल पल का आंखों देखा हाल राहुल तिवारी, गिरवर सोनी, राकेश कुमार ने दर्शकों के बीच पहुंचाया। वहीं निर्णायक के रूप में बिंदु पांडे, अमित पांडे, मोबिन खान, शाह मोहम्मद खान ने निर्णायक की भूमिका निभाई। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के संबंध में गिरवर सोनी ने कमेटी को प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मैच से यहां के सुदूरवर्ती इलाके के ग्रामीणों के बच्चों के प्रति खेल के प्रति जिज्ञासा एवं जागरूकता जागेगी। रंका राज रात्रिकालीन कॉस्को टूर्नामेंट में लगातार कई वर्षों से रंका राज रंका हाई स्कूल के मैदान में यह आयोजित होते रहा है और हमने देखा है इस वर्ष के खेल में कि बहुत सारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं और लगातार कई दिनों से यह खेल जो आयोजित हो रहा है प्रतिबद्धता के साथ यहाँ खेल का प्रदर्शन हो रहा है और इससे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं हमने देखा बहुत भारी संख्या में स्कूली बच्चे, जबकि अभी छुट्टी का दिन भी चल रहा है गर्मी छुट्टी का, साथ ही साथ बहुत सारी जनसंख्या यहाँ देखी जा रही है यहाँ के खेल प्रेमियों को कि इस भरी उमस में जबकि अभी गर्मी अरसे पार दिख रही है उसमें इस मैदान में आकर अर्धकालीन रात्रि तक लोग मैच का आनंद उठा रहे हैं और उत्साहित हो रहे हैं। हम शुभकामना देना चाहेंगे यहाँ आयोजित करने वाले सभी पदाधिकारियों को, सभी खेल प्रेमियों का, इसी तरह का आयोजन होता रहे जिसमें शक्ति स्फूर्ति और खेल का निरंतर प्रतिबद्धता लोगों में दिखे और जिसका बखूब फायदा यहाँ के लोग उठा रहे हैं, यहाँ के बच्चे उठा रहे हैं और हम चाहेंगे मीडिया के लोगों से कि और भी अलग अलग अंदाज में इसको पूरे झारखंड में पूरे देश में फैलाएं ताकि क्रिकेट का जो महकमा बढ़ रहा है पूरे वर्ल्ड में उसमें ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी लोग निकलें और खेल में आगे बढ़ें। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।